ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ना 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 ना, ये मेरी पंक्तियां नहीं, ये तो वो कहते हैं जो सरेआम खुलेआम मिठास बेचते हैं। जी हाँ, ठगू के लगू, जिनका टैगलाइन है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, और शायद ऐसा कोई शख्स ना हो जो कानपुर में हो और इसका स्वाद उसने चखा नहीं। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं इस जगह के बारे में कि जब बंटी बबली की शूटिंग हो रही थी, यहाँ पे हुई है, सो द फेमस सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म, जो गाना है उसमें जो लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो भी यहीं से लिया गया है। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस प्लेस। क्या बात है, इसका मतलब लोग कितने विवश होंगे इस स्वाद के आगे कि वो जानते हुए फिर भी ठगने चले आते हैं, जैसे कि मैं इससे मैं ठगने के लिए जा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी, तो आप ही हैं ठग? आज की डेट में हम ही हैं। ओरिजिनली ये नाम हमारे बाबा जी का दिया हुआ है। अच्छा, पहले तो बता दें कि ठग्गू के लड्डू क्यों? ठग्गू के लड्डू ऐसा था कि हमारे बाबा जी एक ज़माने में चांदनी चौक के बाहर दुकान लगाया करते थे। वहाँ पे महात्मा गांधी कभी कभी अपनी जनसभाएं करते थे। एक जनसभा में उन्होंने सुना शक्कर जो होता है सफ़ेद जहर होता है, और बगैर शक्कर के लड्डू तो बन नहीं सकता। तो अंतरात्मा में झांक के देखा, सच का सामना हो गया, अंदर ठग्गू नजर आया, तो ठग्गू का लड्डू लेके टांग दिया।